जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं बेनिफिट्स ऑफ सपाटे एक्सरसाइज, यानी सपाटे लगाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। है ना दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों हो सकता है आप में से कई सारे भाई ऐसे हों जो काफी समय से सपाटे लगाते हुए आ रहे हों, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे भी भाई हो सकते हैं जिन्हें इस सपाटे एक्सरसाइज के फायदे मालूम हों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इस वीडियो की, तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि सपाटे एक्सरसाइज करने से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी भाई हैं जो सपाटे एक्सरसाइज लगाते तो रोज हैं लेकिन उन्हें इसके फायदे नहीं पता हैं, ठीक है। तो ये उन दोनों के लिए ही वीडियो होने वाली है, और अगर आपको और थोड़े बेनिफिट्स जानने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई कार लेने जाते हो या मोबाइल लेने जाते हो तो सबसे पहले आप उसके फीचर्स देखते हो, ठीक है, उसके क्या क्या उसका यूज़ है वो सब वगैरह वगैरह तुम समझते हो, ठीक है, उसके बाद ही आप उस कार को या उस मोबाइल को खरीदते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें फीचर्स इतने मिल रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, ठीक है। जब आपके कोई काम की चीज़ होती है तभी आप उसे खरीदते हैं, ठीक है। अगर वो आपके काम की चीज़ आपको नहीं लगती है तो आप उसे परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम इस एक्सरसाइज में है, ठीक है। सबसे पहले आप ये तो जान लो कि जिस एक्सरसाइज को मैं करने जा रहा हूं ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है, कितनी यूजफुल है और इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये जब जान जाओगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इस एक्सरसाइज को करने में। तो इसलिए वीडियो पूरा देख करके जाना, मजा आ जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट बताऊंगा, हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी दूसरा पूरे YouTube पर आपको नहीं बताने वाला। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कमाल की और मजेदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिसे आप पूरा जरूर कर दीजिएगा, और वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर वीडियो दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाएगा कि सपाटे एक्सरसाइज की कैसे जाती है और कैसे आपको करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से आपको सपाटे लगाने हैं, ठीक है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या विदाउट ब्रिक्स के, यानी बिना ईंटों के भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप ईंट न रखें, आप केवल प्रैक्टिस करें बिना ईंटों के, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप ईंट लगा करके भी ये सपाटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको दोनों में मिलेगा, ईंट लगा करके करने से थोड़ा और अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, वो है हमारा कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, थीके? ये जानना बेहद जरूरी होता है हर एक चीज के बारे में। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट यहां पर निकल के आता है सपाटे एक्सरसाइज का, वो है फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें और वहां पर डे वाइज एक्सरसाइज करें तो आप इस सपाटे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मैं कहूंगा, इससे आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, आपको अलग अलग दिन में अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस सवेरे आप आधा घंटा का टाइम निकालिए और
50 से 100, ठीक है, 50 से 100 केवल करना है और फिर आपको रिजल्ट देखना है, गजब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इससे फुल बॉडी वर्कआउट कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों जब आप इस एक्सरसाइज को लगाते हो तो इससे आपका चेस्ट जो मसल्स है वो एक्टिवेट होता है। जी हाँ दोस्तों, चेस्ट आपकी अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो आप सपाटे लगाइए, मात्र एक महीने में आपकी जो चेस्ट है वो जबरदस्त बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अपने शोल्डर्स को बनाना चाहते हैं, ट्रैप्स को बनाना चाहते हैं, बैक को बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा चेस्ट तो मैंने बता ही दी है, हाथों को बनाना चाहते हैं, ट्राइसेप्स बाइसेप्स हो गया, अपने हाथों में मजबूती लाना चाहते हैं, अपने हाथों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसके अलावा अपने कोर को स्ट्रांग करना चाहते हैं या अपने लेग को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, 5 दिनों में ही आपको जबरदस्त रिजल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। महसूस आपको होने लगा कि हाँ यार कुछ हम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। आप जब हाथ बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ यार आज मैंने कोई एक्सरसाइज की है। तो ये तो पहला हमारा बेनिफिट हो गया। अब सेकंड बेनिफिट पे हम चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड बेनिफिट इसका आता है फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर डिटेल में बता दूं कि दोस्तों होता यह है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, जहां पर हमको मतलब जंप करना होता है, जहां पर हमको अपनी पूरी बॉडी का काम करना होता है, तो वहां पर हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्लेयर्स को देखा होगा जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं या और भी कितने गेम हैं, तो ये सब लोग काफी ज्यादा इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें आप जब जंप करके गोल करते हैं, जब वापस नीचे आते हैं, तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के जो मतलब कि जब हम नीचे आते हैं तो हम लोगों के शरीर में काफी ज्यादा दाब पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसमें आपकी बॉडी जो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हो सकता है आपके इंजरी आ जाए, तो इसलिए आपकी बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें भी आप अपने पैर से जब गोल करने के लिए करते हैं, मान लीजिए अगर आपकी जो लेग्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं, तो हो सकता है आपके इंजरी आ जाए, आपकी कोई मसल्स खींच जाए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सपाटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड बेनिफिट पे। तो दोस्तों थर्ड बेनिफिट हमारा निकल के आता है कोर एक्सरसाइज। अब कोर एक्सरसाइज क्या है, आप तो सोच रहे होगे यार ये क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कोर होता है हमारा ये पेट का एरिया, ठीक है, जहां पर एब्स वगैरह होती हैं, इसे कहते कोर, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भाई हमारे होते हैं जिनका पेट निकला है, वो अगर इस सपाटे एक्सरसाइज को करते हैं मात्र 2 महीनों में, मैं बता रहा हूं 2 महीनों में, ठीक है, मात्र 2 महीनों में ही आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी आपसे गारंटी है, कोई भी एक्सरसाइज इतनी दमदार नहीं जितनी दमदार एक्सरसाइज ये है। अगर आपका पेट निकला है, आप निकले हुए पेट से काफी ज्यादा परेशान हो और आप दुनिया भर की चीजें कर चुके हो, तो आप बस केवल 2 महीने जम करके ये सपाटे लगा लो, ठीक है, फिर देखना 2 महीने में आपका पेट कहां चला जाएगा, निकला हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको, सही बता रहा हूं बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो कि आपका पेट कभी ना निकले तो भी आप सपाटे एक्सरसाइज आज से ही लगाना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो और भी ज्यादा लाजवाब हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट। दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है उन लोगों के लिए जिनके पैर बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं और बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जी हाँ दोस्तों, सपाटे लगाने से हमारे लेग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, यानी इंक्रीज लेग स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ गए। अगर आपके पैर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ठीक है, तो आप सपाटे आज से लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त ताकत आपके पैरों में आ जाएगी, ठीक है।
वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपने पैर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कैसे? आपने जब शुरू में वीडियो देखा होगा जो मैंने आपको दी है, वहां पर आपको देखा हो कैसे करना है। यहां पर आपको पुशअप लगा करके तुरंत खड़ा होना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बैठते हैं तो उसमें आपका एक तरह से स्क्वाट होता है, ठीक है। स्क्वाट एक लेग की एक्सरसाइज होती है, तो यहां पर आपके पैर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं और मोटा करना चाहते हैं तो आज से सपाटे लगाना शुरू कर दें और ये बेनिफिट्स प्राप्त कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट पे। बहुत ध्यान से वीडियो देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, ये तो समझ लीजिए मेन हमारा पॉइंट है, इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि शरीर की ताकत बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को तो मैंने खुद भी फील किया हुआ है। भाइयों, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जब से मैंने इस सपाटे एक्सरसाइज करना शुरू किया है, यार क्या बताऊं, गजब की ताकत है। जी हाँ दोस्तों, आप जब इस तरह से हाथ बंद भी करोगे ना तो यार लगेगा कि हाँ यार कोई ये पावर है मेरे अंदर। तो अगर आप भी अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो सपाटे लगाना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, मजा आ जाता है सपाटे लगाने में। जब इससे रिजल्ट मिलता है, जब फीलिंग आती है, तो फिर क्या कहने, मजा आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ यानी अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए भी आप सपाटे लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, शरीर में ताकत नहीं है, इस तरह से ताकत ला सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है इंक्रीज आर्म स्ट्रेंथ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, बिल्कुल भी ताकत नहीं है हाथों में, हम अपने हाथों को कैसे मोटा करें, हम अपने हाथों की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। तो लो, आज इस वीडियो में मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। इस तरह से तुम अपने हाथों को मोटा भी कर सकते हो और अपने हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। क्यों दोस्तों, कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आप ये सपाटे पुशअप लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पर जब आप खड़े होकर के जब वापस से नीचे आते हैं, ठीक है, और जब पुशअप लगाते हैं, तो इसमें आपके पूरी बॉडी का प्रेशर जो है, जो लोड है, भार है, वो आपके हाथों पे पड़ता है, ठीक है, जिससे कि आपके ट्राइसेप्स भी बनती हैं, हाथ भी मोटे होते हैं, और पावर की तो बात ही ना करिए, गजब की पावर आती है, ठीक है। 3 से 4 दिन या 5 दिन, चलो ले लेते हैं 5 दिन आप लगा के देखना, और उसके बाद इस तरह से मुट्ठी बंद करके देखना, फील करोगे ताकत को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज एकदम आपको दिखेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, इंक्रीज आर्म स्ट्रेंथ यानी अपने हाथों की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सपाटे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं। दोस्तों मजा आ रहा ना, वीडियो में बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोअर बैक पेन रिड्यूस, ठीक है। यानी अगर आपके लोअर बैक पेन यानी कमर में दर्द बना रहता है, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं, उनकी ये शिकायत रहती है कि सर मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां पर मुझे 8 घंटे 10 घंटे काम करना होता है, चेयर पर बैठे रहना होता है, जिससे कि मेरी कमर दुखने लगती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये समस्या है ना लोअर बैक पेन की, तो क्या करना है, सपाटे लगाना है, ठीक। सवेरे उठो, सपाटे लगा लो, जितने भी आपसे लगे, 50, 100, 200, 500, ठीक, जितने भी आपसे लग जाएं, फिर उसके बाद देखो कमर का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी वैद्य के पास जाना पड़ेगा, घर पर ही अपना इलाज कर सकते हो, मजा आ जाएगा, ठीक। करके देखना, सब ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, कमर का दर्द अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो सपाटे लगाना शुरू कर दें, इससे आपके कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है, सपाटे लगाने से आप पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है, अपने आप को पूरे दिन एक्टिव फील करते हो, ठीक है। दोस्तों, मैं
क्या करता हूँ, सवेरे जैसा मैंने आपको बताया कि 250 से 300 सपाटे मैं रोज लगाता हूँ, जिससे कि मैं पूरे दिन अपने आप को एक्टिव फील करता हूँ, अपने आप को पूरे दिन फ्रेश फील करता हूँ, मेरे अंदर पूरे दिन एनर्जी होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को अगर मुझसे बोला जाता है करने को ऑफिस में या घर में, तो मैं उस काम को लपक के करता हूँ और उसे मैं फिनिश पूरा करके ही हार मानता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसी एनर्जी लाना चाहते हैं, ऐसी चुस्ती फुर्ती लाना चाहते हैं, तो आप सपाटे लगाना शुरू कर दें, बहुत ही गजब का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा सुस्त रहते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा आलसी हो, सुस्त हो, तो सपाटे लगाओ, आलस्य को और सुस्ती को एक किनारे कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बने रहना, पूरी वीडियो देख करके ही जाना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज स्टैमिना। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे भाइयों का मेरे पास ये कमेंट आता है कि सर हम अपना स्टैमिना कैसे बढ़ाएं, हम अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए आखिर क्या ऐसा कर दें कि हमारा स्टैमिना बढ़ जाए। तो दोस्तों, यहां पर मैं वर्कआउट बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज अगर तुम करोगे तो तुम्हारा स्टैमिना बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं यहां बता दूं कि केवल एक्सरसाइज कर लेने से ही आपका स्टैमिना नहीं बढ़ जाता है दोस्तों, इसके लिए आपको अच्छा खाना भी होता है, ठीक है, अच्छा मतलब कि न्यूट्रिशन लेना होता है, जिससे कि आपका स्टैमिना बढ़े। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उस जाकर के वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टैमिना बढ़ाने की एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई और है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टैमिना बढ़ाना चाहते हो, दोस्तों स्टैमिना होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्टैमिना वो होता है कि अगर आपको कोई एक काम ऐसा दिया जाए जिसे और कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो बहुत जल्दी थक जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वही काम आपको दे दिया जाए तो आप उसे बिना थके हुए उसको पूरा फिनिश कर दें, ठीक है, यानी एक काम को आप काफी देर तक करते रहें, उसी को कहते हैं स्टैमिना, वो भी बिना थके हुए, ठीक है, तो ये स्टैमिना कहलाता है। तो अगर आप ये ऊर्जा, या जिसको हम ऊर्जा भी कह सकते हैं या स्टैमिना कह सकते हैं, अगर ये आप अपने अंदर लाना चाहते हो तो सपाटे लगाना शुरू कर दो, ये ऊर्जा अपने आप ही अंदर आ जाएगी। आप सोचोगे कि यार ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा।